प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत ऐसे मूल स्रोत जिसमें इतिहास की महत्वपूर्ण मूलभूत सूचना प्राप्त हो, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हो, जिसे हम अपने शब्दों में ऐतिहासिक सामग्री अथवा ऐतिहासिक आंकड़े भी कहते हैं। इन स्रोतों से हमें इतिहास के अध्ययन में काफी सहूलियत मिलती है। प्राचीन इतिहास के स्रोत निम्न प्रकार है एवं उनका वर्गीकरण मुख्यतः रूप से तीन वर्गों में किया गया है, ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत एवं तीसरा विदेशी स्रोत। हमारा पहला था साहित्यिक स्रोत। भारत या विश्व के इतिहास की वो लिखित रचनाएं जिनसे हमें जानकारी मिलती है उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है, जिसे धार्मिक एवं लौकिक स्रोत है, जिनमें धार्मिक एवं लौकिक स्रोत जैसे वैदिक रचनाएं, महाकाव्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य, पुराण, संगम साहित्य, कविता, प्राचीन जीवनियां एवं नाटक इत्यादि। इन स्रोतों का उपयोग मूलभूत सूचना प्राप्त या प्रदान करने में किया गया है। जहां तक भारत के इतिहास की बात है तो उत्तर दिशा में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ है। प्राचीनतम काल से भारत को भिन्न भिन्न नामों द्वारा जाना जाता है, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतखंड, हिमवर्त, भारतवर्ष, अजनाभ वर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि। कुछ लोग इसे इलावर्त भी कहते हैं। नोट: भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। प्राचीन भारतीय जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्ष वाला द्वीप भी कहते थे। प्राचीन ईरानियों ने इसे सिंधु नदी से जोड़ा, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। प्राचीन इतिहास के स्रोत, जैसा कि हमने पढ़ा, प्राचीन इतिहास के स्रोत तीन हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत एवं विदेशी स्रोत। जहाँ तक साहित्यिक स्रोत की बात है तो उसमें दो पार्ट है, धार्मिक साहित्य स्रोत एवं लौकिक साहित्य स्रोत। पहला धार्मिक साहित्य स्रोत, इसके दो पार्ट हैं, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत एवं ब्राह्मणेतर साहित्यिक स्रोत। जहाँ तक ब्राह्मण साहित्य की बात है तो उसके अंतर वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण एवं महाभारत आते हैं। एंड ब्राह्मणेतर साहित्यिक स्रोत, जैसे बौद्ध धर्मग्रंथ एवं जैन धर्मग्रंथ। जहाँ तक लौकिक साहित्य के स्रोत की बात है तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जीवनी ग्रंथ हो गए एवं गल्प साहित्य ग्रंथ हो गए। दूसरा स्रोत जैसे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, जिसे हम एपिग्राफी कहते हैं, मुद्राएं, सिक्के, स्मारक, इमारतें, मूर्तियां एवं चित्रकारी, भूमि अनुदान पात्र एवं अवशेष। जहां तक विदेशी स्रोत की बात है तो यूनानी रोमन लेखकों का यात्रा वृत्तांत, चीनी लेखकों का आना, अरबी लेखकों का आना। यूनानी रोमन लेखकों का यात्रा वृत्तांत, जिसके अंतर्गत टेसियस जो कि ईरान से आया था, हेरोडोटस इतिहास का पिता जिसे कहा जाता है, सिकंदर महान, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान भी यूनानी रोमन लेखकों में से आते हैं, निर्याकस, अनेस्टिक्रिटस एंड अरिस्टोबुलस। जहाँ तक चीनी लेखकों की बात है तो चीनी लेखकों में आने वाले फाहयान, संयुगन, हुएनसांग, इत्सिंग। अरबी लेखक सुलेमान अल मसूदी अलबरूनी। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे तहकीके हिंद को हिंद कहा जाता था, यानी कि तहकीके हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत जैसे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत थे, जिसमें अब हम विस्तार में बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जिसके अंतर्गत धार्मिक साहित्यिक स्रोत एवं लौकिक साहित्यिक स्रोत थे। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में दो पार्ट थे, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत एवं ब्राह्मणेतर साहित्य स्रोत। चलिए हम विस्तार में ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत और ब्राह्मणेतर साहित्य स्रोत के बारे में बात करते हैं, जो कि धार्मिक साहित्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण साहित्य स्रोत में वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, आरण्यक, रामायण एवं महाभारत आते थे, जैसा कि हमने पहले बात किया था, और ब्राह्मणेतर साहित्यिक स्रोत में बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ आते थे। चलिए
ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद वेद के बारे में जानते हैं। वेद वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेद हिंदुओं के आदि धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद ज्ञान धातु से लिया गया है, यानी बना है। इसी धातु से विदित, जिसका अर्थ जाना हुआ होता है, विद्या यानी ज्ञानी, विद्वान यानी ज्ञानी, जैसे शब्द बने हैं। वेद की जहां तक बात है तो वेद की संख्या 4 है। भारत का सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद ऋग्वेद है। 4 वेद निम्न प्रकार हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन सभी वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जिन्हें वेदों के संकलनकर्ता कहा जाता है। ऋग्वेद की जहां तक बात है तो ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत था। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। वर्तमान में इसमें 10,462 मंत्र हैं, 10,462 मंत्र हैं। मंत्रों को ऋचाएं भी कहते हैं। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। 8वें मंडल की हस्तलिखित मंत्रों को खिल कहा जाता है। जहाँ तक मंत्रों यानी ऋचाओं को पढ़ने वालों को होट्टत कहते हैं। ऋग्वेद में मृत्यु निवारक त्रंबकन मंत्र है, जिसे महामृत्युंजय मंत्र वर्णित है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र हम सभी जानते हैं, ओम भूर भुवस्व तस्तवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है एवं सोमरस की प्रशंसा की गई है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त जो कि चतुष्य वर्ण समाज अर्थात 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र को आदि पुरुष ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उदाहरण ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से एवं वैश्य जंघाओं और शूद्र चरणों से। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में गायों के लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कन्याओं के उदाहरण मिले हैं जो बहुत समय तक या पूरी जिंदगी आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी महिलाओं या कन्याओं को अमाजू कहते थे। कई ग्रामों के समूह को विष और अनेकों विषों के समूह को जन कहा जाता था। जनों के प्रधान को राजन यानी राजा कहते थे। कृषि के उल्लेख ऋग्वेद में 24 बार किया गया है। ऋग्वेद में कृषि के बारे में 24 बार उल्लेख है। देवताओं के चिकित्सक को भीषक कहा जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 ऋचाओं यानी मंत्र तथा इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। भगवान के वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद इसे गद एवं पद वाला वेद भी कहते हैं। इसे मुख्यतः रूप से यज्ञों एवं हवनों के नियम और विधि विधान का उल्लेख है। इसमें कर्मकांड की प्रधानता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अर्धवर्यु कहते हैं। इसमें कई यज्ञों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सोमयज्ञ इत्यादि। सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। इसका संबंध गाने से है। वैसे ग्रंथ जिसके मंत्रों को हम गा सकते हैं, वैसे भी साम का शाब्दिक अर्थ गाना होता है। सामवेद में कुल 1810 सूक्त है, 1810 सूक्त है। इसके संकलन का आधार बिंदु ऋग्वेद है। सामवेद को पढ़ने वालों को उद्रार्ती कहा जाता है। अथर्ववेद 4था और अंतिम वेद, यह सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें कुल 731 मंत्र एवं लगभग 6000 ऋचा यानी पद हैं। अथर्ववेद की रचना आचार्य अथर्व ऋषि ने की है।
अथर्ववेद मुख्यतः मानव जीवन के सभी पहलुओं, राजा का चुनाव, राजभक्ति, शादी विवाह, जादू टोना, गृह निर्माण, खेती, कृषि की उन्नति, रोग निवारण, औषधि, वशीकरण, साप श्राप, व्यापार की खोज, इसमें विज्ञान और दर्शन तथा देवताओं की श्रुति का भी मंत्र है। अर्थ अथर्ववेद में कुछ देश की समृद्धि का व्याख्या मिलता है तथा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। वेदों को गद्य में व्याख्या वाले मंत्रों भागों को ब्राह्मण कहा जाता है। वेदों के गद्य में व्याख्या वाले मंत्रों को के भागों को ब्राह्मण कहा जाता है। अथर्ववेद में गद्य रूप में देवताओं की तथा यज्ञ की व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य भी दिया गया है। जहाँ तक इनकी भाषा की बात है तो इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद, ऋग्वेद ऐत्रेय व कौशिकी, यजुर्वेद तृतीय शतपथ, सामवेद पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें राजा परीक्षित के बाद मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से थे, के पूर्व की घटनाओं की जानकारी मिलती है। राजाभिषेक के नियमों की व्याख्या ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी पाए गए हैं। विद्वांसो ही देवा, यह वचन शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, जिसका अर्थ है विद्वान ही देवता होते हैं। शतपथ में जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें नाम इस प्रकार है: गंधार, शल्य, कैकेय, कुरुविदे, कौशल एवं पंचाल राज्य इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में मध्य शतपथ सर्वाधिक बृहकाय था, यानी है, इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है। इसमें 100 अध्यायों एवं 14 कांड एवं 100 अध्यायों की वजह से इसे शायद शतपथ कहा गया है। वेदांग, वेदांग वे हैं जो वेदार्थ ज्ञान के लिए सहायक है। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि को बताया गया है। दूसरा कल्प, कर्म कांडीय विधि के बारे में बताया गया है। तीसरा व्याकरण, चौथा ज्योतिषी, पांचवा छंद एवं छठा निरुक्त वेदांग। नोट, सूत्रों में सबसे प्राचीन गौतम धर्म सूत्र को माना जाता है। उपनिषद, उपनिषद का साधारण अर्थ है समीप बैठना। उदाहरण, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। उपनिषद संस्कृत में लिखे गए हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, 108, जिनमें मुख्य उपनिषद 13 हैं। सभी उपनिषदों का संबंध वेद से जुड़ा है। इसमें परमेश्वर परमात्मा, ब्रह्म एवं आत्मा के स्वभाव का दार्शनिक एवं ज्ञान पूर्वक व्याख्या मिलता है। उपनिषद के माध्यम से देवता, दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, पृथ्वी, प्रवृत्ति, चराचर को माध्यम बनाकर रोचक, प्रेरणात्मक यानी प्रेरणादायक कथा रचना की प्रस्तुति की गई है। वेदों की जटिलताओं को सरल ढंग से उपनिषदों में समझाया गया है। प्रमुख कथाएं, नचिकेता की कथा, सत्यकाम जबाल की कथा, कार्तवीर की कथा इत्यादि जबालोपनिषद चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आरण्यक, आरण्यक यानी वन, जो आरण्य में पढ़ा या पढ़ाया जा, उसे आरण्य कहा जाता है। आरण्य ग्रंथों का उद्भव ब्राह्मणों के पश्चात हुआ है। इनका मतलब ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। इनकी रचना का मुख्य उद्देश्य वन प्रणालियों और सन्यासियों के आत्मत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए किया गया है। ऐसी मान्यता है इनके अंतर्गत यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिधान सम्मिलित है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। पुराण, पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। हिंदुओं के धर्म संबंधों, आस्थान ग्रंथ,
जिसमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों की संख्या 18 है, 18। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाओं के माध्यम से व्याख्या को किया गया है। कुछ में तो सृष्टि के आरंभ से अंत तक का उल्लेख मिलता है। नोट, महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है, भगवान वेदव्यास जी को बादरायण के रूप में भी जाने जाता है। कृष्ण द्वैपायन आदि वेदव्यास जी के अन्य नाम हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पांच पुराणों में राजाओं की वंशावली का उल्लेख मिलता है। जिनमें बापू पुराण, गुप्त वंश के बारे में, विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन वंश, ब्राह्मण्य पुराण एवं ब्राह्मण पुराण में ययाति तथा पुरु वंश के बारे में है। भागवत पुराण को भगवत भी कहते हैं। इसका संबंध श्री कृष्ण भक्ति से है। अग्नि पुराण, पुराणों में इसका स्थान 8वां है। व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान जिसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु पुराण है, जिसमें भूगोल संबंधी ज्ञान, व्रत उपासना वाला दान दक्षिणा, वास्तुशास्त्र, राजतंत्र, कृषि और ज्योतिष संबंधी उल्लेख दिया गया है। स्मृति, स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ। स्मृति को वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त है। स्मृति को आसान कहानियों तथा नैतिक उपदेश के माध्यम से बताया गया है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति है, जो कि शुंग काल से संबंधित है। 1776 ईस्वी में 1776 ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट सर विलियम जॉन्स द्वारा इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया, या अंग्रेजी में पहले अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। स्मृति पुराण मनुस्मृति। नारद स्मृति का संबंध गुप्त युग से है। रामायण, रामायण यह हिंदू धर्म का महाकाव्य है। हम यूं कह सकते हैं कि रामायण, जिसमें मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रत्व और सेवक धर्म का वर्णन किया गया है, जो हिंदू धर्म के महाकाव्यों में से एक है। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम प्लस अयन, जिसका अर्थ राम की यात्रा है। रामायण में भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास अति महत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। रामायण, जिसे हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं, लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी। इसके रचयिता वाल्मीकि ऋषि थे, जो भगवान राम के समकालीन थे। वाल्मीकि रामायण की भाषा संस्कृत है। नोट, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास रचित, इसे तुलसी रामायण अथवा तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं, जिसकी भाषा अवधी है, उत्तर भारत में रामायण के रूप में लोकप्रिय है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र उल्लेख है। इसके मुख्य पात्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सभी भाई हैं, सीता माता, रावण, विभीषण इत्यादि। महाभारत, महाभारत काव्य ग्रंथ, इसके रचयिता वेदव्यास हैं। रचना काल सन 3100 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व है। महाभारत का आधार कौरव और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष है। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ एवं महाकाव्य, जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसके मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर इत्यादि हैं। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भागवत गीता महाभारत में सन्निहित है। जहां तक श्लोकों की बात है, महाभारत में लगभग 110,000 श्लोक हैं। वेदव्यास जी को महाभारत की रचना करने में 3 वर्ष का समय लग गया था। अब साहित्यिक ग्रंथों के अंतर्गत ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ एवं जैन धर्म ग्रंथ हमने देखा था।
बौद्ध धर्म की जहाँ तक बात की जाए तो बौद्ध धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी, जिसका संकलन त्रिपिटकों में है। बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ त्रिपिटक हैं, पहला सूत पिटक, दूसरा अभिधम पिटक एवं तीसरा विनय पिटक। त्रिपिटक को सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। जातक कथाएं, जातक इन कथाओं में ऐसी मान्यता है कि खुद भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए कथाओं को संकलित किया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र, पूर्व जन्म की कहानी तथा अनेक कथाओं को साथ वर्णित किया गया है। जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ जैसे जैन साहित्य बृहत विशाल है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, जिनकी संख्या 46 है। जैन साहित्य यानी जैन ग्रंथ की भाषा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशों में लिखा गया है। भगवान महावीर की प्रवृत्तियों का केंद्र मगध था, अतः मगध की लोक भाषा अर्धमागधी में उन्होंने अपना उपदेश दिया। यही उपदेश जैन साहित्य यानी आगम में संकलित है। जिस प्रकार वैदिक साहित्य में वेद का जो स्थान है, वही बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान जैन साहित्य में आगम का है। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में ज्ञात होता है। भगवती सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का विवरण प्राप्त होता है। अब चलिए हम आते हैं साहित्यिक के अंतर्गत लौकिक साहित्य का। लौकिक साहित्य स्रोतों में ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जीवन ग्रंथ हो गए एवं गल्प साहित्य ग्रंथ हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत जैसे राजतरंगिणी, कलहन द्वारा लिखी गई, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अष्टाध्यायी, पाणिनि, गार्गी साहित्य, कात्यायन, महाभाष्य, पतंजलि इत्यादि ग्रंथ हैं। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसे कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेखित है। इस पुस्तक के अनुसार इसका रचना काल सन 1147 से लेकर के 1149 के बीच बताया गया है। इसमें कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंगे हैं। प्रथम तरंग में जो जानकारी मिलती है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य स्थापित किया। उसी समय सिर्फ वैदिक धर्म प्रचलन में था। सन 293 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। ऑरल स्टीन ने पंडित गोविंद कौल के सहयोग से राजतरंगिणी का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। पृथ्वीराज रासो यह एक हिंदी महाकाव्य है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कार्यकाल 328 से 298 ईस्वी पूर्व के महामंत्री थे। अर्थशास्त्र में अर्थनीति, समसामयिक राजनीति, विधि, समाज नीति एवं धर्मार्थ पर प्रकाश पड़ता है। यह 15 अधिकरणों एवं 128 प्रकरणों में विभाजित है। नोट: आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा गया है, यानी कहा जाता है। अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को बताया एवं एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप में वर्णित किया है। मतलब अर्थशास्त्र के द्वारा धन कमाने का विधियों एवं आय के वितरण के विषय की जानकारी मिलती है।
अष्टाध्याय। अष्टाध्याय का शाब्दिक अर्थ है आठ अध्यायों वाला। यह संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्याय के लेखक महर्षि पाणिनि हैं। इसे पाणिनि याष्टक के रूप में भी जाना जाता है। अष्टाध्याय से हमें मौर्य के पहले तथा मौर्यकालीन इतिहास के राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है। लिपि। लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अष्टाध्याय में किया गया है। अष्टाध्याय महाकाव्य पर महामनु कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है एवं सूत्र तथा वार्तिकाओं पर भगवान पतंजलि का विशद उल्लेखित ग्रंथ है, महाभाष्य है। भगवान पतंजलि का विशद उल्लेखित ग्रंथ महाभाष्य है। यूं कहें तो सूत्र, वार्तिक और महाभाष्य तीनों के सम्मिलित रूप को पाणिनि व्याकरण कहते हैं। गार्गी साहित्य। गार्गी साहित्य कात्यायन द्वारा लिखित एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके बावजूद इसमें हमें भारत पर यवन आक्रमण का विवरण मिलता है। महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखित है, जिसमें शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित शुंग के पुरोहित हुआ करते थे। जीवनी ग्रंथ अमरसार, अमर काव्य वंशावली, राज रत्नाकर, अजीतोदय, भट्टिकाव्य। पहला अमरसार। अमरसार के स्थापित पंडित जीवाधर थे। अमरसार में राजस्थान के इतिहास में संबंधित, जिसमें महाराणा प्रताप एवं उनके पुत्र राणा अमर सिंह का संपूर्ण जीवन विवरण मिलता है। अमर काव्य वंशावली, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट हैं, इसमें बापा से लेकर राणा राज सिंह तक के मेवाड़ की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। राज रत्नाकर के रचयिता सदाशिव, इसमें महाराणा रंजीत सिंह तक के मेवाड़ की राजनीतिक इतिहास का उल्लेख मिलता है। अजीतोदय, इसके रचयिता जगजीवन भट्ट, इसमें मारवाड़ के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। भट्टिकाव्य, महाकवि भट्टी द्वारा रचित महाकाव्य, इसके वास्तविक नाम रावण वध है। भट्टिकाव्य में भगवान राम के जन्म से रावण के संहार तक का वर्णन मिलता है। गल्प साहित्य ग्रंथ। गल्प साहित्य उपन्यास हो गया, कहानी, नाटक, कविताएं एवं व्यंग इत्यादि माने जाते हैं। गल्प साहित्य का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, शुरुआती दिनों में समाज पर प्रभावी असर रहा है। इन साहित्यों को पढ़ने में पाठक लेखकों कवियों के कथ्य पर आपस में चर्चा करते हैं। आधुनिक गल्प साहित्य में असमिया भाषा के विख्यात साहित्यकार त्रैलोकनाथ गोस्वामी द्वारा रचित समालोचना सन 1967 ईस्वी में इनको असमिया भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विदेशी स्रोत। यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक एवं अरबी लेखक। अब हम तीसरा विदेशी स्रोत पे बात करेंगे, जो कि ऐतिहासिक स्रोत का मुख्य स्रोत भी है और यह तीसरा एवं अंतिम स्रोत है। यूनानी रोमन लेखकों की जहाँ तक बात की जाए तो पहला टेसियस। टेसियस ईरान का रहने वाला था। दूसरा हेरोडोटस, तीसरा सिकंदर महान, चौथा सिकंदर के साथ आने वाले निर्याकस, आस्टेबुलस, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। यूनानी रोमनों में जैसे डायमेकस, डायनीसियस, टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिका, जिसे ज्योग्राफिका लेखक भी कहा जाता है टॉलमी को। प्लीनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री एवं पेरिपल्स ऑफ एथेरियंस एवं एस्ट्रेनो इत्यादि, जो कि यूनानी रोमन लेखक थे। चलिए विस्तार में यूनानी रोमन लेखकों के बारे में जानते हैं। यूनानी रोमन लेखक प्राचीन भारत में आए प्रमुख यूनानी रोमन लेखकों में भारत के बारे में सुंदर वृत्तांत किए। टीसियस तथा हेरोडोटस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार जो भारत आए। टीसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस के द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका, जिसमें 5वीं शताब्दी का ईसा पूर्व का भारत, फारस
यानी ईरान से संबंध के बारे में वर्णित है। सिकंदर महा इनके साथ भारत आने वाले लेखक निर्याकर आनिक रिचस एवं ऑस्टिबुलस था अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीस मेगास्थनीस ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिया में मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस यह सीरिया का राजा अंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था जिसने मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है। डायनेसियस यह मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायनेसियस अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा जो कि 140 ईस्वी के आसपास थी, दूसरी शताब्दी में लिखी, जिसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द एथेरियंस यह एक अज्ञात यूनानी लेखक था जो मिस्र में आकर बस गया। इसने लगभग 80 ईस्वी में भारतीय तट की यात्रा की थी। इसके विवरणों में बंदरगाहों तथा आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्लीनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें भारतीय विविध पक्षियों पशुओं पेड़ पौधों खनिज पदार्थों का उपयोगी विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्रथम शताब्दी में की गई थी। स्ट्रैबो यह एक यूनानी रचनाकार था। इसने मेगास्थनीस के उल्लेखों को काल्पनिक करार दिया। चीनी लेखकों की बात की जाए तो सबसे पहला फाहियान, दूसरा संयोगन एवं तीसरा वेनसान, फिर सिंह इत्यादि चीनी यात्री भारत यात्रा पर आए। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। यह सन 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक 14 वर्षों तक रहा। यह बौद्ध धर्म को मानता था तथा इसका उद्देश्य बौद्ध स्मृतियों तथा बौद्ध हस्तलिपियों की खोज की। इसने मध्य प्रदेश के लोगों को समृद्ध होने का विवरण दिया है। संयुगन इनसे बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। यह 518 ईस्वी में भारत आए थे। वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक रहा। इसकी यात्रा वृत्तांत वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की में दिया है जिसमें हर्षकालीन सामायिक धार्मिक तथा राजनीतिक उल्लेख है। वेनसांग ने बिहार के नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए तथा बौद्ध ग्रंथों को संग्रह करके ले जाने आया था। वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने भारत आया उस समय कुलपति आचार्य सील भद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। इत सिंह यह एक चीनी यात्री तथा बौद्ध भिक्षुक भी था। यह 7वीं शताब्दी में लगभग 675 ईस्वी के समय सुमात्रा होकर समुद्र के रास्ते भारत आया था। इसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं 7वीं शताब्दी के भारत के बारे में प्रकाश डाला। अरबी लेखकों में मुख्य रूप से अलबरूनी, इब्न बतूता, सुलेमान अल मसूदी इत्यादि थे। अलबरूनी यह एक फारसी लेखक था। इसकी रचनाएं अरबी भाषा में प्राप्त है। इसका जन्म रब्बा राज में सन 973 ईस्वी में हुआ था जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सन 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं, नामक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ भारत की खोज है। यह 80 अध्यायों में विभाजित है जिसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोलिक विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून, भार तौल मापन, विधियों तथा मूर्तिकला आदि विषयों पर उल्लेखित है। अलबरूनी की किताब खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य एवं अन्य कई विषयों पर है। कुल मिलाकर अलबरूनी ने कुल 146 किताबें लिखी। इब्न बतूता इसके यात्रा वृत्तांत को रेहला कहा जाता है। इसका जन्म उत्तर अफ्रीका में मोरक्को के नगर तंजानिया में 1304 ईस्वी को हुआ। एशिया के रास्ते वह 1333 ईस्वी में
सिंध पहुंचा। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता को देखकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वह 1354 ईस्वी के आरंभ में मोरक्को की राजधानी फेज लौट गया। सन 1368 ईस्वी के आसपास उसका देहांत हो गया। सुलेमान, पहले अरबी लेखक सुलेमान थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। इसके यात्रा वृत्तांत में पाल एवं प्रतिहार वंशों का उल्लेख मिलता है। अल मसूदी, यह एक भूगोल वेत्ता था जिसका जन्म बगदाद में हुआ था। अल मसूदी ने ब्रह्मांड दर्शन नामक पुस्तक लिखी। सन 915 से 916 ईस्वी में वह भारत की यात्रा पर था। यह संभवतः गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के शासनकाल में गुजरात आया था। इसकी यात्रा वृत्तांत में राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का विवरण मिलता है। नोट, अन्य विदेशी लेखकों में जैसे मार्को पोलो, तारानाथ, चाउगुकुआ, निकोलो कोटी। जैसे मार्को पोलो, यह एक इतालवी मतलब इटली का यात्री था। सन 1288 से 1292 ईस्वी के समय वह पांडे साम्राज्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी यात्रा वृत्तांत से पांडे साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत द ट्रैवल्स में लिखा। एक अन्य पुस्तक द बुक ऑफ सर मार्को पोलो ने भारत के आर्थिक इतिहास का उल्लेख मिलता है। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक एवं इतिहासकार थे जो कि सन 1575 से लेकर के 1634 ईस्वी 17वीं शताब्दी में हुए थे। उन्होंने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे जिससे हमें सुरक्षित भारत के शुरुआती समय का इतिहास की जानकारी मिलती है। चाओ गु कुआ, यह एक चीनी व्यापारी था जो कि 1225 से 54 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर था। चाओ गु कुआ ने चू फान ची नामक किताब लिखी जिसमें भारत का व्यापारिक उल्लेख किया है। निकोलो कोटी, यह इटली का रहने वाला था जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर भारत राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी से 21 ईस्वी में आया था। निकोलो कोटी, यह इटली का रहने वाला था जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 से 21 ईस्वी में भारत आया था। यह पहला विदेशी यात्री था जो विजयनगर की यात्रा पर आया था। इसने यात्रा का उल्लेख लैटिन भाषा में लिखा था। अब्दुल रज्जाक, यह एक फारसी राजदूत था। 1442 से 1443 ईस्वी में विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसके यात्रा वृत्तांत में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योग, बंदरगाह, कृषि, खजाने, रीति रिवाज तथा लोगों के रहन सहन का उल्लेख मिलता है। बारबोसा, जिसका पूरा नाम ड्वार्ट बारबोसा था, जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर था भारत आया था। सन 1510 से 16 ईस्वी तक यह पुर्तगाल के गवर्नर अबूकर का दूरभाषी ट्रांसलेटर रहा था। इसकी यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ ड्वार्ट बारबोस नामक किताब में लिखा था। इस पुस्तक में सती प्रथा का उल्लेख है। डोमिनगोस पेरेज, यह पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय के दरबार में विजयनगर की यात्रा पर 1510 ईस्वी में आया था। इसने अपनी पुस्तक डोमिनगोस की कथा में तत्कालिक सामाजिक बलि प्रथा, पशु यज्ञों, क्षति प्रथा, जातिगत बंधन, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया है। विलियम हॉकिंस, 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। विलियम फिंच, यह हॉकिंस के साथ भारत आया था। सन 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाहों पर उतरा था। प्रसिद्ध सलीम और अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री था विलियम फिंच। भारत के व्यापारिक मार्गों सूरत, बुरहानपुर, उज्जैन, फतेहपुर सीकरी तथा विख्यात नगरों, दुर्गे, जेलों एवं धार्मिक परंपराओं इत्यादि का विस्तृत उल्लेख मिलता है। थॉमस रो,
1615 में जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा पर था। यह एक ब्रिटिश था। हैबनियर यह एक फ्रेंच था तथा पेशे से एक चिकित्सक था। यह औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा पर 1658 से 1668 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में उस समय के हिंदू मुस्लिम समाज के रस्म रिवाज और व्यापार वाणिज्य को उल्लेख किया था। पुरातात्विक स्रोत जिसमें हम अतीत की सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र में के जनक फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अभिलेख एवं स्तंभ, मुद्राएं, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला, गुहा स्थापत्य इत्यादि पुरातात्विक स्रोत हैं। अभिलेख की जहाँ तक बात करें तो अभिलेख का अभिप्राय पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत एवं तंग कठोर सतह पर मिट्टी की तत्व एवं बर्तन दीवारों में उत्कीर्ण किए हुए पहले की सामग्री है। ये किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन वाले लेख होते हैं। आम व्यवहार में व्यवहारिक लेखों से अलग होते हैं। वहीं दूसरी ओर कागज, पत्ते, कपड़े जैसे मुलायम या कोमल पदार्थों पर सादी अथवा अन्य हस्तलेख की श्रेणी में रखे जाते हैं। करे पत्री जैसे तार पत्री पर लोहे के लिखित लेखों को अभिलेख एवं हस्तलेख इन दोनों के बीच रखा जाता है। प्राचीन भारतीय अभिलेख अधिक पाषाण पत्थरों, शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, बर्तनों, ताम्रपत्रों एवं प्रतिमा पर उत्कीर्ण मिलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख 1400 ईस्वी मध्य एशिया के बोगाज कोई एशिया माइनर नामक पुस्तक से मिले हैं, जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र मित्र नास्ते एवं वरुण आदि के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक जो मौर्य शासक के मिले हैं संभवतः 300 ईस्वी पूर्व प्रमाणिक होते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या पुरालिए इपिग्राफी कहते हैं। सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, जिसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में है। स्तंभ लेख की प्राचीन लेख भारत में पाए गए हैं। हड़प्पा में भी इसके प्रमाण मिले हैं। ऐसे अभिलेख जो गैर सरकारी अभिलेख पाए गए हैं जिनमें भवन राजपूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा अभिलेख, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त जिसके मध्य भारत में भागवत धर्म के साक्ष्य मिले हैं। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त वो 12 प्रतिमाएं जिसमें हुन राज तोरमान के लेखों का उल्लेख दिया है। सातवाहन राजा का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा है। महत्वपूर्ण पुरातात्विक अभिलेख स्तंभ और उनके शासक अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख, जिसे बिना तिथि वाला अभिलेख कहते हैं, इसके शासक कलिंगराज खारवेल के टाइम का है। जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार में है रुद्र दामन के टाइम का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट: मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत से कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि के हैं। मुद्रा एवं सिक्के सर्वप्रथम सिक्के के ऊपर लेख लिखने का श्रेय यवन शासकों को जाता है। सन 206 BC से लेकर के 300 AD तक का भारतीय इतिहास में मुद्राओं से ही प्राप्त हुआ है।
प्राचीन सिक्के जिन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं, पंच कॉइन इट मीन्स मार्क्ड कॉइन, आहत सिक्के भी कहते हैं तथा साहित्य में इसे कासारपन भी कहा गया है। सिक्कों के ऊपर राजाओं के वंश, वृक्ष, उनके शासनकाल, धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक कार्य पर विचार के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जैसे समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाला सिक्का, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त के मुद्राओं पर अश्व एवं यूप के चित्र एवं अश्वमेघ पराक्रमा लिखा है, जिससे यह माना जाता है ये मुद्राएं समुद्रगुप्त अश्वमेध के उपलब्धि बयां करती है। रोमन सिक्कों की प्राप्ति पुंदुचेरी के समीप स्थित अरिक मेडू से प्राप्त हुए हैं। राज्य की बहुसंख्या मुद्राएं राज्य की लंबी समय का शासन एवं समृद्धि को दर्शाता है। स्मारक एवं भवन, प्राचीन इमारतें, मूर्तियां, मंदिर, भवन एवं स्मारक, जिनसे हमें सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी से बने राजप्रसाद के अवशेष, जो पाटलिपुत्र की खुदाई में निकले, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के वास्तु स्थापत्य में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि पढ़ने के दौरान बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनको गलत तरीके से लिखा गया था, ये हिंदी टाइपिंग की त्रुटि है, इसके लिए काफ़ी खेद है हमें। कृपया हमारे चैनल नया है तो इसको सपोर्ट कीजिए। हम अपनी त्रुटियों को आगे सुधारेंगे और आपके लिए जितना अच्छे तरीके से हो सके वीडियो बना करके लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सहयोग दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।